Hey guys, welcome back to CSIR Net June 2020 series solutions. So, मैं कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रही हूँ, दीज आर कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. मुझे जितना याद है या जितना मैंने सुना है लोगों से या जो भी लोगों ने बताया उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रही हूँ. सो इफ देयर इज एनी मिस्टेक डू कमेंट डाउन. एनी सजेशंस एंड एनी अदर क्वेश्चंस आर कम्प्लीटली ओपन टू कम. सो लेट्स गेट टू द क्वेश्चन. इसमें बोला क्या गया है कि ये एक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इनिशियल कंडीशन दी गई है हमें. तो पूछा क्या गया है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा. सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का बात हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज लेंगे और पता करेंगे कि क्या हमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा को एन स्क्वायर के लिए चेक करते हैं. सबसे ईजी चीज है, एन स्क्वायर के लिए चेक करेंगे और लैम्डा को हम लोग माइनस एन स्क्वायर के लिए चेक करेंगे. ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग जब एन स्क्वायर के लिए चेक करेंगे तो ये और ये वाला डील हो जाएगा, और जब माइनस एन स्क्वायर के लिए चेक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन डील हो जाएगा. और अगर ये दोनों के लिए ट्रू हो गया तो ए भी करेक्ट होगा, और अगर नहीं ट्रू हुआ तो ए फॉल्स हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एन स्क्वायर. तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ उस टाइप का हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो. इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसे आएगा, डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. इसका मतलब कि डी की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस एन आई आएगी. मतलब वाई जो आएगा वो आएगा हमारा सी वन कॉस एन एक्स प्लस सी टू साइन एन एक्स. अब हम लोग ये जो कंडीशन दिया हुआ ये दोनों को पुट करेंगे. तो हम जैसे ही अगर वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो वी कैन क्लियरली सी कि सी वन जो है वो जीरो आ जाएगा. बट अगर वाई पाई इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, मतलब ये पुट करने के बाद हमारा वाई क्या दे देगा, सी टू साइन एन एक्स. अब जैसे ही हम लोग वाई पाई जीरो पुट करेंगे तो जीरो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी टू इंटू जीरो. मतलब यहाँ पे सी टू को नॉन ट्रिवियल, सॉरी सी टू को नॉन जीरो होना पड़ेगा. मतलब कि जब अगर लैम्डा एन स्क्वायर के इक्वल है तो हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, वाई इज इक्वल्स टू सी टू साइन एन एक्स. ठीक है, यहाँ पे एक था कि ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमें जीरो के लिए मिल ही रहा है, तो हमें नॉन ट्रिवियल जानना है, तो इसलिए हम लोग विदाउट जीरो लेके काम चला रहे हैं. ठीक है, विदाउट जीरो लिए तो हमारा ये सॉल्यूशन आया. ठीक है, इसका मतलब कि इसके लिए हमें नॉन ट्रिवियल मिल रहा है. मतलब अगर हमें एन स्क्वायर के लिए नॉन ट्रिवियल मिल रहा है तो हमें वन के लिए भी मिलेगा, एन का वैल्यू वन ले लेंगे तो, क्योंकि ये एन तो रैंडम है ना, तो वन के लिए भी मिल जाएगा. मतलब बी और सी तो करेक्ट है. अब हमें चेक करना माइनस एन स्क्वायर के लिए. ठीक है, अगर माइनस एन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आई हट जाएगा. जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा आ जाएगा सी वन ई टू द पावर एन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस एन एक्स. ठीक है, अब वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको हटा देती हूँ मैं, वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगी तो क्या आएगा, सी वन प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो. और y पाई पे अगर जीरो पुट करूंगी तो क्या आएगा, मतलब यहां से हम लोग लिख देते हैं सी टू को माइनस सी वन. ठीक है, नेक्स्ट y पाई, पाई जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आएगा, सी वन ई का पावर एन पाई प्लस सी टू ई का पावर माइनस एन पाई इक्वल्स टू जीरो. वाई जीरो है, अब सी टू को हम लिख देंगे माइनस सी वन. सो सी वन ई का पावर एन पाई माइनस सी वन ई का पावर माइनस एन पाई इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, C1 कॉमन लेंगे, माइनस e का पावर माइनस एन पाई इक्वल्स टू जीरो. अब e का पावर एन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो e का पावर टू एन पाई सी वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. अब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा. अगर ये जीरो हो गया, मतलब e का पावर टू एन पाई इक्वल्स टू वन, मतलब कि n इक्वल्स टू e का पावर टू एन पाई इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स e का पावर जीरो यानी टू एन पाई इक्वल्स टू जीरो, विच इम्प्लाइज एन इक्वल्स टू जीरो. सो विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि एन को हम लोग सिर्फ जीरो तो नहीं लेके चल रहे, हम लोग लैम्डा को माइनस एन स्क्वायर लेके चल रहे हैं. तो माइनस एन स्क्वायर के लिए हम लोग डील कर रहे हैं, तो इसलिए एन इक्वल्स टू जीरो तो ये खत्म. तो मतलब सी वन इक्वल्स टू जीरो होगा. सी वन इक्वल्स टू जैसे ही जीरो होगा तो सी टू क्या है, माइनस सी वन, यानी कि सी टू भी जीरो होगा. और जैसे सी वन और सी टू दोनों जीरो हो गया, मतलब क्या हुआ, हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया.
सो नो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसलिए ये गलत. और अगर लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू नहीं हुआ, मतलब कि फॉर ऑल लैम्डा भी ट्रू नहीं होगा, मतलब बी और सी इज द करेक्ट ऑप्शन. हो सकता है बी और सी कहीं और लाई कर रहा हो ऑप्शन में, आई डोंट रिमेम्बर कि ये दोनों कहाँ था, बट द कंसेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.